बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे और आप सबके दस्तरखानों को अल्लाह ताला सजाए रखे। आमीन सुम्मा आमीन। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज हम बनाएंगे मटन चांप। चांप कहें या चौप कहें, कुछ भी आप कह लें, बहुत ही लजीज और मज़े की बनती है ये। क्रिस्पी मटन चौप को आप 15 से 20 मिनट में घर के मसालों से बआसानी तैयार कर सकते हैं। तो चलें शुरू करते हैं ये लजीज सी चांप बनाना। सब्सक्राइब कीजिए कुक विद आयजा को और बराबर में जो बेल आइकन है इसे दबा दें ताकि मेरी कोई भी नई आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। चांप लिए मैंने 1 kg। इनको अच्छी तरह वॉश करके सिरका लगा के मैंने 15 मिनट के लिए रख दिया था और फिर अच्छी तरह इनको वॉश कर लिया है। अब एक प्याज डालेंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट है 1 बड़ा चम्मच, ये डाल दिया है, और 1 गिलास पानी डाल दूंगी। नमक 1 चम्मच डालेंगे और मिक्स कर देंगे। अच्छी तरह मिक्स कर लेने के बाद प्रेशर कुकर का कवर बंद करेंगे और इनको तकरीबन चांपों को हम 10 से 15 मिनट तक गला लेंगे। चांपें जल्दी गल जाती हैं। यहाँ पे हमने वेट को हटा लिया है और प्रेशर को निकाल दिया है। अब हम प्रेशर कुकर को खोल लेंगे। चांप बहुत अच्छे तरीके से गल चुकी हैं। अब जो जो थोड़ा सा पानी रह गया है इसको हम खुश कर लेंगे। यहाँ पे ले लिया मैंने 1 बाउल, इसमें मैंने 1/2 कप दही डाला है, 1/2 छोटी चम्मच नमक है, 1/6 चम्मच मिर्च सुरख, धनिया पाउडर 1/6 चम्मच, काली मिर्च 1/2 छोटी चम्मच, ज़ीरा 1 चम्मच, और हल्दी थोड़ी सी डाल दी है। अब 1 लेमन के 2 टुकड़े कर लिए, इनका बारी बारी में अर्क निकाल के डाल रही हूँ। ये इस तरीके से दोनों लेमन डाल दिए। अब मिक्स कर लेंगे। 1 चुटकी मैंने फूड कलर डाला है रेड, इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अच्छी तरह मिक्स कर लेने के बाद अब एक एक करके चांपों को उठा के इसमें रख रहे हैं और इस तरीके से इसकी कोटिंग कर रहे हैं। ये चांप की कोटिंग हो चुकी है अच्छे तरीके से। अब इसी तरीके से सारी चांपें लेंगे और इनकी कोटिंग करते जाएंगे। सारी चांपों की कोटिंग मैंने कर ली है। अब इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए मैं रख दूंगी ताकि मसाला चांप के अंदर अच्छी तरीके से जज्ब हो जाए और टेस्ट अच्छा हो जाए। यहाँ पे फ्राई पैन लिया है, इसमें 1/2 कप ऑयल डाला है और एक एक करके चांपें रखते जाएंगे। इसकी कोई ख़ास ट्रिक तो होती नहीं है, जैसे जैसे जगह आप देखते जा रहे हैं फ्राई पैन में उसी तरीके से आप चांप को रखते जाएं। आसानी से जितनी चांप फ्राई पैन के अंदर आती हैं वो मैंने रख दी हैं। अब कवर बंद करके तकरीबन 5 मिनट तक एक साइड से पकाएंगे, उसके बाद कवर खोल के तो चांपों की साइड चेंज कर देंगे। ये कवर खोल दिया मैंने, अब चांपों की साइड चेंज कर दूंगी। अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है। दूसरी साइड से भी इसी तरीके से गोल्डन कलर कर लेंगे। अब कवर दोबारा से बंद कर दिया है और तकरीबन 3 से 4 मिनट तक इस साइड से भी पकाएंगे। चांपें तैयार हो चुकी हैं, अब मैं इन्हें डिश में निकाल रही हूँ, एक एक करके उठाते जाएंगे।
और डिश में रखे जाएंगे। सिंपल, आसान और मज़ेदार सी रेसिपी तैयार हो चुकी है। अब मज़ेदार खुशबूदार मसालेदार चॉप्स हमने सलाद पत्ता लिया है और उसके ऊपर रख रहे हैं। बहुत ही आसान और सिंपल सी रेसिपी हमारी तैयार हो चुकी है। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों और फैमिली में शेयर करें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अपना रखें बहुत सारा ख्याल। मुझे और मेरी फैमिली को रखें अपनी दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।